हेलो एवरीवन, यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी सर मैट्रिक एग्ज़ाम 2023 में देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का ऐसा इम्पोर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में 100% पूछे जा सकते हैं। तो चले फ्रेंड्स, बिना समय गवाएं आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। है दोस्तों, पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि AP-3-1/2.2 का ग्यारहवां पद क्या होगा। दोस्तों, जब AP का सलूशन हम लोग कर रहे थे तो आप सभी को मालूम होगा कि जितना भी पद ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन पूछता है उसमें से हम लोग एक कम करते हैं और डी लगा देते हैं। यानी जब हमसे ग्यारहवां पद पूछा गया है तो हम लिखेंगे A+11 में से एक कम करेंगे तो 10 हो जाएगा, इसके साथ डी लगा देना है। अब यहाँ पे हमसे मिलेगा ए का मान, तो ए का मान प्रथम पद -3 दिया गया है। उसके बाद में निकालेंगे डी का मान और डी निकालने का फार्मूला होता है A2-A1। अब देखिए, A2 का मान -1/2 है तो -1/2 लिखेंगे, A1 का मान -3 है तो माइनस और ये माइनस, +3 हो जाएगा। अब 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा। उसके बाद में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी -1 में 1 से गुना करते हैं तो -1 हो जाएगा। 3 में 2 से गुना करेंगे तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा। उसके बाद में -1 और +6 मिलकर यहाँ पे 5 हो जाता है और 2/2 को हम लोग सेम लिखते हैं। उसके बाद में क्या करने वाले हैं कि हमें चाहिए ए का मान, तो ए का मान दोस्तों -3 था, है ना जी, तो माइनस यहाँ पे 3 लिखेंगे। उसके बाद में लिखेंगे 10 × D का मान, डी का मान हम लोगों ने ज्ञात किया है 5/2, तो 5/2 लिखेंगे। अब ये वाला 2 10 को काटेगा 5 मरतबे, यानी ये हो जाएगा -3 + 5 में 5 से गुना करेंगे तो ये 25 जाएगा। आप सभी को बता दें कि -3 और +25 मिलकर 22 होता है। इस प्रकार से इस AP का ग्यारहवां पद 22 होगा और 22 यहाँ पे ऑप्शन ए में भी दिया गया है, अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, बहुपद 4x² - 4x+1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। दोस्तों, मूलों का गुणनफल को हम लोग α×β कहते हैं, जिसका फार्मूला C/A होता है। यहाँ पे C का मान की बात करें तो 1 दिया गया है, यहाँ पे 1 हो जाएगा। उसके बाद में A का मान दोस्तों 4 है तो यहाँ पर हम लोग 4 लिखेंगे। इस प्रकार से मूलों का गुणनफल α×β = C/A फार्मूला के माध्यम से इस क्वेश्चन का गुणनफल 1/4 होगा और 1/4 ऑप्शन बी में है, अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि AP का पहला पद A और सार्वंतर D है तो nवां पद का योग क्या हो जाएगा। nवां पद का योग पूछा गया है तो SN का फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। SN का फार्मूला होता है n/2×2A+n-1×D होता है और इस प्रकार का ऑप्शन डी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि 1/√3 बराबर क्या हो जाएगा। आप सभी को बता दें कि 1/√3 जो है वो tan 30° का मान होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, tan 30°। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। आप सभी को बता दें कि अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3π r² होता है। यह एक फार्मूला है जो आप सभी को याद रखना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, यदि √2cos θ = 1 हो तो थीटा का मान क्या हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है कि cos θ = 1 लिखना है, √2 यहाँ पे गुना में है तो बराबर किधर जाने पर ये भाग में हो जाएगा। अब आप ही बताइए कि cos में 1/√2 किसका मान होता है, तो मान सारणी यदि आप सभी याद किए होंगे तो मालूम होगा कि cos में 45° का मान 1/√2 के बराबर होते हैं, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, 45°। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, यदि α/β द्विघात बहुपद
एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस पाँच के मूल हों तो एक बटा अल्फ़ा प्लस एक बटा बीटा का मान क्या होगा। दोस्तों कैसे ऐसे क्वेश्चनों को ज्ञात किया जाता है, तो सबसे पहले दिया गया था एक बटा अल्फ़ा प्लस एक बटा बीटा, तो हम यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। अब ऊपर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, आप सभी को बता दें अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला माइनस बी बटा ए होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला सी बटे ए होता है। अब यहाँ पे ए से ए कट जाएगा तो प्राप्त होगा हमारा माइनस बी बटा सी। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमें चाहिए बी का मान। दोस्तों बी का फार्मूला में भी माइनस है और बी का मान में भी माइनस है, तो माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस तीन हो जाएगा। उसके बाद में चाहिए सी का मान और सी का मान यहाँ पे पाँच है, यानी क्वेश्चन का सही जवाब तीन बटे पाँच हो जाएगा। और तीन बटा पाँच ऑप्शन सी में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में कहता है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के दोनों मूल बराबर हो तो द्विघात समीकरण का विविक्तर डी बराबर क्या होगा। देखिए विविक्तर ज्ञात करने का आसान फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। देखिए जब दोनों मूल बराबर होना तो डी बराबर यहाँ पे जीरो के बराबर होते हैं, यानी विविक्तर का मान जीरो के मान के बराबर होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3.-4 में कोटि का मान क्या हो जाएगा। दोस्तों 3.-4 दिया गया है, याद रखिएगा x को हम लोग भुज कहते हैं, y को हम लोग कोटि कहते हैं। आप सभी को बता दें कि जब भी आपसे भुज का मान पूछा जाएगा तो पहला वाला आंसर हो जाएगा, यदि कोटि का मान पूछा जाएगा तो याद रखिएगा दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमसे कोटि का मान ही पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ये -4 होगा जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। उसके बाद में कहता है यदि किसी घनाभ की लंबाई एल, चौड़ाई बी और ऊंचाई एच हो तो घनाभ का आयतन क्या होता है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि घनाभ का आयतन का जो फार्मूला होता है वो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई ऑप्शन ए में दिया गया है, तो यही आपका क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। यदि आपसे आयतन ना पूछकर कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल यदि पूछ दिया जाता तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब डी होता, यानी 2 × LB प्लस LH प्लस BH ये घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। यदि पूछ लिया जाता किसी घनाभ की लंबाई एल, चौड़ाई बी, ऊंचाई एच है तो घनाभ का विकर्ण क्या हो जाएगा, तो घनाभ का विकर्ण √L² प्लस B² प्लस H² होते हैं, यानी √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर होता है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है एक समकोण त्रिभुज में जिसका कोण B बराबर 90 डिग्री है, कोण A का मान 40 डिग्री है तो कोण C का मान क्या हो जाएगा। इस प्रकार से एक त्रिभुज है, हालांकि जब इस समकोण त्रिभुज का बात आया है तो हमें इस त्रिभुज की रचना समकोण की जैसा करनी होगी, तो इस प्रकार से हम समकोण की रचना कर लेंगे और यहाँ पे कोण बी रखेंगे जो कि 90 डिग्री है, कोण ए हम यहाँ पे रखेंगे जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 40 डिग्री है, हमें ये कोण सी बताना होगा। तो आपको दिमाग इस प्रकार लगाना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो दोनों कोण को ऐड कर लेंगे और 180 में से माइनस करेंगे, यानी जब 90 में हम 40 को ऐड करेंगे तो कितना होगा जी, तो ये हो जाएगा आपका 130 जाएगा। अब 130 आपको 180 में से 130 को माइनस करना है तो कितना बचेगा, 50 बचेगा, है ना जी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब 50 डिग्री होगा। आसान शब्द में जानिए कि हम 90 डिग्री और 40 डिग्री को ऐड किए हैं तो 130 डिग्री हो गया है, और 180 में से 130 डिग्री को माइनस किए हैं तो प्राप्त आंसर ऑप्शन डी आया है, यानी 50 डिग्री आया है। इसी प्रकार से आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि टेन 15 डिग्री, टेन 20 डिग्री, टेन 65 डिग्री इंटू टेन 70 डिग्री बराबर क्या होता है। सबसे पहले आप सभी को 90 और 90 का जोड़ा लगाना पड़ता है, यानी टेन 25 और टेन 65 को एक साथ लिखेंगे तो ये टेन 90 डिग्री का जोड़ा लग जाएगा। टेन 20 और टेन 70 को हमें एक साथ लिखना होगा तो कटिपूरक वाले फार्मूला के माध्यम से ये 90 डिग्री का जोड़ा लग जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, लिखना होगा टेन 25 इंटू टेन 65। उसके बाद में फिर से हम लिखेंगे कि टेन 20 इंटू टेन 70
इससे क्या होगा कि हमारा 90-90 का एक जोड़ा मिल गया है, अब दोनों में से एक एक निष्पत्तियों को तोड़ देना होगा, यानी इधर 10-25 को तोड़ेंगे, यहाँ पे 10-20 को तोड़ेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 10 × 90 में से 25 घटाएंगे तो जाहिर सी बात है 65 बच जाएगा। उसके बाद में इंटू में है 10 × 25 या 10 × 65, इसे हम सेम टू सेम लिखेंगे 10 × 65। उसके बाद में क्वेश्चन बंद कर देना है। यहाँ पे दिया गया 10-20, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 × 90 में से 20 घटाएंगे तो 70 बचेगा, और 10-70 को सेम टू सेम लिख देंगे। दोस्तों फार्मूला याद किए होंगे तो मालूम होगा कि 10 × 90 माइनस थीटा बराबर ये होते हैं कॉट थीटा, और थीटा का मान 65 है तो 65 लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे 10-65 को सेम टू सेम लिखेंगे। इसी प्रकार से 10 × 90 माइनस 70 डिग्री बराबर ये हो जाएगा कॉट 70 और 10-70। अब देखिए फार्मूला कहता है कि कॉट थीटा गुणा 10 थीटा का मान एक होते हैं, कॉट थीटा गुणा 10 थीटा का मान एक होते हैं, एक में एक से गुणा करेंगे तो क्वेश्चन का सही जवाब एक होगा, और एक यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया गया है। इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में दिया गया है AB/PQ BC/RP, तो कौन सा कोण बराबर होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे त्रिभुज ABC करेंगे, AB और C। उसके बाद में एक और त्रिभुज बनाएंगे जिसका नाम PQR रखना है। इसमें AB यानी ये वाला भुजा और PQ ये वाला भुजा की बात की गई है। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि कहता है BC, तो देखिए BC आपका ये भुजा हो गया और RP यानी RP ये वाला भुजा, तो यहाँ पे कोण B हो गया बराबर कोण P के, तो कोण B बराबर कोण P ऑप्शन D में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन D होगा। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, वैसी संख्या जो स्वयं तथा एक से विभाजित होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, जैसे कि 11। उसके बाद में कहता है कि 1 cot² θ / 1 tan² θ बराबर क्या होता है। इसका सांस ट्रिक जान लीजिए, यदि ऊपर cot² θ दिया गया है तो क्वेश्चन का सही जवाब cot² θ होगा, यदि tan² θ दिया जाता तो क्वेश्चन का सही जवाब tan² θ आता, लेकिन यहाँ पे cot² θ दिया गया है इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन D होगा। उसके बाद में कहता है यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है और वृत्त का जो परिमाप है वो 2πr होता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 1r से 1r को कटा देंगे, पाई से पाई को कटा देंगे, तो r² था तो अभी भी यहाँ पे r बचा होगा, यहाँ पे बचा 2, यानी r = 2 मात्रा के आंसर आ जाएगा, और यहाँ पे ऑप्शन बी में 2 मात्रक दिया भी गया है इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। तो हे दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यही पेंट करता हूँ। आशा करते हैं इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चनों का सलूशन हम आप सभी को बताए हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही 10वीं कक्षा का सभी सब्जेक्ट का VVI ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही नए नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।